अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो ये मेरा व्लॉग है वो चांद रात व्लॉग है, और चांद रात को ही हमारे बकरे भी आ गए थे माशाल्लाह से। ईद उल अज़हा है तो हर तरफ यही जोश व खरोश से ईद की तैयारियां बकरे ही हैं। और ये उरैन को भी नहला के मैंने तैयार कर दिया था कि चलो इसको भी मेहंदी लगाऊंगी, बट ये मैडम अब यहाँ पर खेल रही है, भी इसने बकरा ही पकड़ा हुआ, ये जो स्टफ्ड हुआ ये एक बकरा बना हुआ है और मैं ये खेल रही है यहाँ पर। तो अब मैंने जाना था मार्केट, तो अब हुरैन को मैं कह रही हूँ कि दादू के पास रुक जाओ, बट नहीं, वो जो कह रही मामा के साथ ही जाना। अब आया पहने देख लो तो बस मामा के साथ ही जाना। फिर मैं हस्बैंड के साथ बाइक पे गई थी बाज़ार, मार्केट में बहुत रश था और शुक्र है भाई थोड़ी बहुत हवा चल रही थी और मौसम अच्छा था, मतलब मुझे हवाई में गर्मी फील नहीं हुई। तो जी बाहर बहुत रश था, वैसे हम चांद रात को बाहर नहीं जाते, मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाते। तो बस उरैन की सैंडल नहीं थी तो वो मैंने लाजमी लेनी थी, तो बस यही था कि अच्छी सैंडल मिल जाए। तो चले देखते हैं मुझे कोई अच्छी सैंडल मिलती है कि नहीं। तो फिर मुझे उरैन की सैंडल मिल गई थी, मैंने ले ली। और फिर चूड़ियाँ लेनी थी उरैन की और अपने लिए मैंने चूड़ियाँ लेनी थी वो बाय की। तो ये हर जगह चूड़ियों के बड़े अच्छे स्टॉल, मुझे ये अच्छी लगी थी, मैंने गोल्डन कलर में प्लेन चूड़ियाँ ली थी और ब्लैक। और रैन ये बाइक पे बैठ के अपने बाबा के साथ शोर कर रही है, खुश भी हो रही है कि बाहर आई में बाजार। और यहाँ रैन ने अपनी सैंडल उतार दी थी जो मैंने ट्राई की वो पहनी थी, तो फिर उसने बैग पर रख दी। तो फिर यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ वगैरह अपनी ले ली थी। बाजार में चांद रात का बड़ा जोश व खरोश से लोग निकले हुए थे, जिनकी कोई शॉपिंग रह गई होगी या लोग ज़्यादातर चांद रात को चूड़ियाँ वगैरह चढ़ाने या मेहंदियों की लगाने आते, जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए इनके भाई ने सब बाइक के ऊपर ये चूड़ियों वाला स्टैंड लगाया हुआ था, बस जिनने अपना रिज़्क कमाना। फिर हम वापस घर आगे रास्ते में जगह जगह पर गायें वगैरह थी। ये देखे फिर मैं मेहंदी लगवाने गई थी, तो मेहंदी लगाई मैंने, दो हाथों पे लगवाई। हुरैन भी साथ गई थी कि उसको भी मेहंदी लगवा दूंगी, तो हुरैन के लिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई के बस इसको साथ लेके जाने की फिर मेरी मेहंदी ख़राब करेगी। तो हुरैन मैडम ने तो मेहंदी नहीं लगवाई, एक छोटा सा जो डॉट टिक्का समझ लें अपने हाथ पे लगवाया, वो भी कहती इसको उतारें। तो ये मेरे दोनों हाथी की जो मेहंदी थी वो लग चुकी थी, तो बस अब इसको वॉश करूँगी क्योंकि मेरा ना अंदर से जो टिक्का था हाथ का वो हो गया ख़राब। तो फिर मैंने कहा इससे पहले सारी मेहंदी ख़राब हो तो हाथ जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है। ये देखिए यहाँ से मेरा टिक्का हो गया ख़राब, तो फिर मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लिया जाए। बच्चों की जो माएँ होती हैं भाई, ईदें तो भाई जब हम छोटे थे तब होती थी, अब तो जब शादी हो जाए तो फिर तो बच्चों की ईद होती है। तो फिर भी मैंने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी। ये देखिए कलर भी इतना अच्छा आ गया, सिर्फ आधे घंटे में इतना अच्छा कलर आ गया था। तो बस आप लोग बताएं आपकी ईद की तैयारियां कैसी हुई, चांद रात पे क्या कुछ किया आप लोगों ने। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चाहें जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का पता चलता रहेगा। और बस ये मैं अपनी मेहंदी को लेके आई, क्रेजी थी, शोखी हो रही थी, देखिए वीडियो बना रही थी मैं बस ये तो बच्चों के शौक होते हैं। और ये देखिए जो मैं जिन चीज़ों के लिए गई थी बाज़ार, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चूड़ियाँ ली थी अपनी ब्लैक एंड गोल्डन, मुझे अच्छी लगी थी। और हुरैन की जस्ट मुझे ऑरेंज चूड़ियाँ चाहिए थी, वो सेपरेट नहीं मिलनी थी, फिर मुझे सेट लेना पड़ा। और ये मेरी शर्ट थी जिसके मैंने बटन लेने थे रेड कलर के, वो मैंने लिए, दो नलकियाँ ली। और ये नीडल्स लेनी, नीडल ली दो, बस बटन लिए और हुरैन की ये सैंडल ली। बस कुछ खास अच्छी तो नहीं मिली, बट अब गुजारा तो करना था, तो फिर इसलिए मैंने ये सैंडल ली और ये थी। इसके पापा कहते बस ठीक है अब ले लो, क्या हो सकता है। और फिर एक ये ले ली मैंने। और फिर ये जो एक ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मेड जो आती है अगर उन्होंने बताया कि ये ब्लीच आप करें, वैसे मैं यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ जस्ट क्लिनजिंग वगैरह अपनी फेस की करती हूँ, ब्लीच वगैरह या स्किन पॉलिश या फेशियल बहुत कम, कभी फेशियल तो शादी के बाद कभी मैंने करवाया ही नहीं। तो उसने बताया बाजी ये पार्ले गोल्ड जो है ना ये ब्लीच क्रीम आप ये यूज़ करें, इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल डाल के। तो देखिए मैंने ये लिया, अब मैं ट्राई करती हूँ कि ये इसका क्या असर रिज़ल्ट है, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये इजीली 30 रुपए का मुझे ये साशिया मिल गया था और एक ये वाइटनिंग कैप्सूल था। अब मैं ट्राई करके आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अपनी चांद रात कैसे गुजारी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग मेरा इंशाल्लाह ईद का मैं अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत चांद रात और ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।